भाव के आगे किसी की कहां ही चलती है। जब वो बैटिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि लैपटॉप पे क्रिकेट का गेम चल रहा है, क्योंकि वो जहां मन चाहे वहां शॉट लगा देते हैं। इसलिए उन्हें बुलाया जाता है मिस्टर 360 डिग्री। उनकी बैटिंग अप्रोच हमेशा से अटैकिंग रही है, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। जब सूर्य ने अपना पहला T20 मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था तो अपने करियर की शुरुआत ही उन्होंने छक्के के साथ की थी, पर जैसा अब तक उनका T20 करियर चला है, ODI करियर तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहा है, जिसकी वजह से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या सूर्य वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडिया के स्क्वाड में जगह बना पाएंगे। तो आइए उसी के बारे में जरा चर्चा करते हैं। अगर सूर्य के कुछ स्टैट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं उनके फेवरेट फॉर्मेट के बारे में, यानी T20। उन्होंने अब तक के अपने T20 करियर में 50+ मैचेस खेले हैं और 1500 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें शामिल है 14 हाफ सेंचुरीज एंड 3 सेंचुरीज। उनकी स्ट्राइक रेट भी इस फॉर्मेट में 175+ रहती है और उनकी एवरेज भी अच्छी खासी रही है, क्योंकि वो है 45+ की। लेकिन वही बात आती है अगर ODIs की, तो स्काई के रिकॉर्ड स्काई पे नहीं जमीन पे ही नजर आते हैं और उनके स्टैट्स ODIs में बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि सूर्य ने अब तक 25+ ODIs खेले हैं और 500+ रन बनाए हैं। उनका एवरेज भी 24-25 के बीच में ही रहा है, जो कि बहुत खराब है, और इस फॉर्मेट में उनके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आई है। जब पिछली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ODI सीरीज हुई, तब स्काई लगातार तीनों मैचों में गोल्डन डक हुए थे और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी सूर्य तीनों ODIs में रन नहीं बना पाए थे। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट के करियर में भी वो 50 ओवर फॉर्मेट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, क्योंकि सूर्य ने अपने करियर में 127 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनका एवरेज सिर्फ 33 के आसपास ही रहा है। पर इंडियन टीम ने स्काई को इतना बैक इसलिए किया क्योंकि ODI क्रिकेट को लेकर टीम्स की अप्रोच अब बदल चुकी है और वो चाहते हैं कि टीम में एक ऐसा बैटर आए जो मिडिल ओवर्स में शॉट्स खेलता रहे, और स्काई के पास वो काबिलियत है, इसलिए वो इस फॉर्मेट में एक्स फैक्टर साबित हुए हैं। पर ये मौका स्काई को इसलिए भी मिला है क्योंकि अय्यर एंड राहुल इंजरी के चलते बाहर हैं, पर जैसे ही वो वापस आएंगे सूर्य के लिए स्क्वाड में इंक्लूड होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पोजीशन है जहां सूर्य बैटिंग कर सकते हैं तो वो है 4th नंबर, और अय्यर ने 2022 में ऑलरेडी उस नंबर पे खेलते हुए उस साल बहुत रन बनाए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि 4 नंबर पे स्काई को ही खेलना चाहिए, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि सूर्य को स्क्वाड में चुना जाएगा या नहीं। पर ये कहना गलत तो नहीं होगा कि सूर्य जैसे अटैकिंग बैटर इस वक्त इंडियन क्रिकेट के पास कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, ODI वर्ल्ड कप के लिए सूर्य को स्क्वाड में चुना जाएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।